नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम नरेश और आप देख रहे हैं बुंदेलखंडी न्यूज़। दोस्तों, कुछ दिनों तीन चार दिन पहले विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश दुबे जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जो पृथ्वीपुर से डॉक्टर शशपाल यादव के प्रतिनिधि हैं और भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश दुबे जी, हम उन्हीं से जानेंगे क्या है पूरा मामला। नमस्कार दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंडी न्यूज़ में। दुबे जी, कुछ दिन तीन चार दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा था आपके बारे में, गलत फहमी फैलाई जा रही थी कि आप भाजपा में को छोड़कर और कांग्रेस में चले गए हैं, क्या है आप बताइए। पहले तो हम सब लोग आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि जो आपका न्यूज़ चैनल या जो चला रहे हैं वह निष्पक्ष और ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर के ये बातचीत करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्षेत्र के सभी, खास तौर से विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर के सभी मित्रों शुभचिंतकों को मैं यह बड़ी विनम्रता पूर्वक बताना चाहते हैं। चिंतक मित्र मुझे भोपाल में मिल गए तो वो ऐसे ही खड़े हो गए। खड़े होने के बाद मुझसे बोले कि यार चलो घुमाते हैं दुबे जी, जैसे दो तीन लोग थे ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। जब वो वहाँ गए तो वो अपने फ़ोटो सेशन कराने लगे, मैं एक तरफ खड़ा हो गया, तो उसी फ्रेम में उनने मेरा फ़ोटो ले लिया। और उन्हीं की कोई ऐसी मंशा रही कि इस प्रकार से इनको बदनाम कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ जो इनके शुभचिंतक हैं उन पर फ़र्क पड़ जाए। लेकिन ना तो मेरे जुड़ने से कोई फ़र्क पड़ सकता है और ना मेरे हटने से फ़र्क पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु मैंने जब मुझे जानकारी हुई दूसरे दिन तो मैंने उसका खंडन भी किया और आज तक ना मेरे विधायक जी ने मुझसे बात की इस संबंध में और ना मैंने कोई आज तक बात की, क्योंकि मेरी मित्रता और चिंताएं जितनी मेरी उनके प्रति है, माननीय विधायक जी के प्रति, उससे कहीं अधिक स्नेह और प्रेम मुझे उनसे हमेशा मिला है। और जितने वो प्रभावित हैं उससे ज़्यादा हम उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि जो इस विधानसभा में उनके विधायक चुनने के बाद हमने, जनता ने और सबने देखा है कि पहले कितना अराजकता का माहौल था, कितनी भयंकर लोगों को परेशानियां होती थी गांव में। मैं लगभग 15-16 से लेकर के और नवंबर 22 तक इस क्षेत्र में बराबर जन लोक सेवक के रूप में काम करता रहा हूं। तो मैंने पहले भी देखा है और आज भी देख रहा हूं कितना आमूल चूक परिवर्तन, सुख शांति अमन चैन, हर प्रकार से लोगों की चिंता वो करते हैं और उनकी चिंता और कार्य क्रियाकलापों को देखते हुए हमें एक प्रभाव पड़ा तो हमने भी एक प्रकार से अपना मन बना करके और इस लोक सेवा के बाद जन सेवा में जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये फर्जी भ्रामक जानकारी फैलाई गई है आपके बारे में, अफवाह फैलाई गई है कि कांग्रेस की आपने ज्वाइनिंग की है, ये सब झूठ है। ये सरासर झूठ है और मुझे, मेरा मन कभी दलगत राजनीति की ओर रहा ही नहीं है। मेरा हमेशा नवाचार करने का रहा है। जहाँ तक मेरी पृष्ठभूमि है तो मेरा लड़का जनपद पलेरा के ग्राम पंचायत नूना महेवा से सबसे सर्वाधिक वोटों से जीतने वाला जनपद सदस्य है। इसके पहले 15 से लेकर के 22 तक ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में उसने संचालन किया है। मेरे पूर्व में मेरी भाभी भी जनपद सदस्य रही। चूँकि जनसेवा से जुड़ा हुआ मेरा परिवार रहा है और अपरोक्ष रूप से जहाँ तक मुझसे सहयोग बना मैंने किया है और मेरे अंदर भी वह जनसेवा के भाव भरे हुए हैं और आज भी आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ। माननीय विधायक जी का हर कदम पे जो भी उनकी मंशा गरीब लोगों के लिए होती है और मुझसे जो बन सकता है मैं उनकी जो है मदद करता हूँ। अच्छा, आपने
पहले सरकारी में नौकर थे एसटीओ, उसके बाद आपका रिटायरमेंट हो गया, आपको मतलब ऐसी फैमिली से धन धान संपन्न परिवार से, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो रिटायरमेंट लेने के बाद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आप विधायक प्रतिनिधि बने और क्षेत्र में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, इस पर देखिए लोक सेवक के रूप में कुछ सीमाएँ रहती हैं और उन सीमाओं के अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है, परंतु रिटायरमेंट के बाद केवल अपनी नौकरी से ही हम रिटायर्ड हुए हैं। सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक सरोकार और अच्छे काम करने के लिए जो खुल के माहौल अगर मिलता है तो प्रत्येक उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसके अंदर चाय है, और मेरा टैलेंट केवल नौकरी तक जो रहा तो नौकरी में करके दिखाया, और शेष जीवन में मैं चाहता हूँ कि जो संबंध बने हैं और अच्छे बनते जाएं, और अच्छे तभी बनेंगे जब हम उनकी किसी मदद के काम आएंगे। वही सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है, और फिजिकली जब तक फिट फाट रहेंगे तब तक जो है जनता के बीच काम करते रहेंगे। आप अपने जो कार्यकर्ता हैं विधायक जी के और आपके समाज के लोग हैं नवाड़ी विधानसभा के, क्षमा करें पृथ्वीपुर विधानसभा से, तो उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए राजनीति हुई या कोई भी चुनाव हुए, कभी किसी एक जाति समुदाय धर्म को लेकर के नहीं की जाती है और वो सफल भी नहीं होती है। वर्तमान के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वह अगर देखा जाए तो वो सभी को लेकर के चलने वाले व्यक्तित्व हैं। दूसरा आईएएस माइंडेड है, वह चाहते तो कोई भी क्लास वन ऑफिसर की पोस्ट छोड़ के जो जनसेवा में उतरे हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अगर उनके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, भाग्य से एक जनसेवा जो आदमी के पुरुषार्थ के आधार पर मिलती है, तो उस शक्ति के साथ वो जनसेवा में उतरे हैं, और ऐसे जनसेवक का साथ हर उस प्रबुद्ध वर्ग को देना चाहिए जो इन सब जात पात के जंजालों को छोड़ करके और सभी को लेकर के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे वो बड़ा धन्ना सेठ हो, उनके लिए सभी बराबर हैं, सबको यथोचित यथा सम्मान देते हुए। कई लोग कई प्रकार के आरोप हम पे भी लगाते हैं, लेकिन जब भी हमारा सामाजिक कोई चीज़ होती है तो हम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और हर समाज से हर आदमी का हमेशा रिश्ता तो कम से कम होता ही है, तो हमारा वो चीज़ होती रहे तो हम उसमें अपने सामाजिक कार्यक्रम जो हमारे होते हैं उसमें हम अपने ब्राह्मण समाज के साथ रहते हैं, और ब्राह्मण समाज का भी हमें पूरा स्नेह मिलता है, और इसी प्रकार से हमारी ब्राह्मण समाज का जो जिस चीज़ को ओरिएंटेशन सभी में भाग लेता है या करता है, तो ब्राह्मणों का योगदान भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मेशन से लेकर के आज तक है, तो आज जो हमें इज्जत जो मान सम्मान जो हमें मिलता है, तो हम तो जहाँ मिलेगा मान सम्मान हम उसके साथ हैं और निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। आपके विधायक डॉक्टर साहब के कोई पांच काम जो सबसे ज़्यादा लोग विकास के काम हुए हैं पांच पृथ्वीपुर विधानसभा में, जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, कोई पांच काम बताइए। देखिए इस प्रकार से विशेष काम तो हम बहुत से काम ऐसे कहेंगे कि विशेष है, क्योंकि इसके पहले कोई काम हुए ही नहीं है और सारे काम शेष थे। जैसे शिक्षा के मामले में यहाँ पर महाविद्यालय की क्लासेस शुरू कराना, स्वास्थ्य के मामले में जोरोन और इसके अलावा 8 उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति कराना, पुलों के मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से जोड़ने वाले 3 पुल उन्होंने बड़े बड़े स्वीकृत कराए हैं, चौथा जो किसानों के मामले में वह बेहद संवेदनशील हैं और सिंचाई के लिए उन्होंने
एक ये बछौड़ा के पास बड़ा तालाब 22 करोड़ का स्वीकृत कराया, इधर दो पिकअप बियर जामनी नदी में स्वीकृत कराई, एक डिरगुआ में और दूसरा दिगवार कला में। तो मैं ये मानता हूँ हजारों हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी और निश्चित रूप से यहाँ का मेहनत कस किसान केवल पीछे रहता है तो सिंचाई के कारण। और वह सुविधा हमारे माननीय विधायक जी ने कराई है। पांचवा काम, जो रोज़गार के लिए बाहर यहाँ की जनता यहाँ के मजदूर जाया करते थे, उनके लिए जेआर के पास 250 एकड़ में उन्होंने बहुत बड़ा रोज़गार केंद्र के रूप में स्वीकृति दिलाई है, जिसमें कम से कम 5,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा और स्वीकृत हो चुका है, शीघ्र ही शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे, जो मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर, जब से डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र के विधायक बने हैं तब से पूरी जनता जनार्दन या गांव की गुंडागर्दी या कोई भी ऐसी चीज़ सुनने को नहीं मिल रही है कि कहीं पर किसी के साथ अन्याय हो रहा है। अगर हुआ भी है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ भी बहुत ज़ोरदार उन्होंने कराई हैं और उनका एक मैसेज है, और उनके प्रतिनिधि होने के नाते हम भी इस बात से आश्वस्त हैं और कह सकते हैं कि सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, यही भाईचारा बनाए रहें। और किसी को किसी भी चीज़ की शासकीय तौर पर जो लाभ या योजनाओं की मिलना चाहिए वह मिलेगा, अगर नहीं भी मिल रहा है तो वो आकर के दिन रात वो अपने कमरे में बैठते हैं, उनके अपने मुख्यालय में रहते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, विकास योजनाओं से लेके विकास पर 8-8, 10-10 पंचायतों को मिला करके क्लस्टर की मीटिंग्स लेते हैं, उसमें जन सुनवाई टाइप की होती हैं, जो भी लोग बताते हैं वो उसे पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। हमारे चैनल पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बुंदेलखंडी न्यूज़, मैं हूँ राम नरेश। अपने क्षेत्र बुंदेलखंडी की खबरों को देखने के लिए देखते रहे बुंदेलखंडी न्यूज़। नमस्कार।